हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि क्योंकि प्रिंस अचानक से ही चैनल के मेंशन में आ गया था, तो उसको क्योंकि वो बहुत आवाज़ कर रहा था, इसीलिए जो हमारी शेनकी होती है वो उसके सर पे बहुत तेज़ से मारती है टी पॉट पे। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि इसके सर पर पट्टी बंधी हुई है और ये धीरे धीरे अपनी आँखें खोल रहा है, और तभी ये बगल में देखता है कि शेनकी हाथ में कैंची ली हुई है। इसको देखते ही इतना ज़्यादा डर जाता है कि एकदम पीछे होता है और कहता है कि प्लीज़ 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 मुझे मत मारो, लेकिन ये एकदम चुप होती है और एकदम शांति से नीचे देख रही होती है। ये एक बार उसको देखता है, फिर उसके हाथ पे उसकी कैची को देखता है। फिर जो शेनकी होती है वो उससे कहती है, आप जो कर रहे थे वो बिल्कुल सही नहीं था, अगर मैं उस समय वैसा नहीं करती तो आप बहुत बड़ी गलती कर देते, इसीलिए मुझे आप पे हाथ उठाना पड़ा, प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए। तो जो जर्नल होता है, अभी तक तो वो उसको देख के सिर्फ डर रहा था, फिर अचानक से उसको याद आता है कि उसको चोट भी लगी है। फिर वो अपना हाथ पीछे ले जाता है और अपनी चोट को छूते हुए कहता है, तुमने मुझे मारा मेरी पट्टी कर दी। तो ये उससे कहती है कि प्रिंस प्लीज़ थोड़ा धीरे बोलिए। तो कहते हैं, तुमने मुझे मारा और पट्टी कर दी। और फिर ये एकदम अपने हाथ का सहारा लेते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर फिर ये कहती है कि वापस आइए प्रिंस। तो फिर ये वैसे ही चुपचाप जैसे जा रहा था बिल्कुल वैसे ही आके चुपचाप के बैठ बैठ जाता है और एकदम डरा हुआ सा इसको देख रहा होता है। उसके बाद फिर वो उससे कहती है कि प्रिंस आज आप क्या कर रहे थे, हाँ आप क्या सोच के यहाँ आए थे, क्या आज आप सबको बताने वाले थे कि आपका अफेयर जनरल की वाइफ के साथ चल रहा है, हाँ इसीलिए आप उसके बेडरूम में एंटर हुए हैं। ये बस चुपचाप उसको देख रहा होता है, जैसे कि लग रहा होता है कि शायद अभी इसको मार देगी, तो बस एकदम उसको देख ही रहा होता है एकदम इसकी, जैसे उसने पहले कभी इसका रूप देखा ही ना हो ऐसा। वो उससे आगे कहती है, मुझे पता है कि आप एक अपना एक प्लेबॉय का इमेज इसलिए बना के रखते हैं ताकि जो आपके बाकी भाई हैं वो आपको कमज़ोर समझे और समझे कि आप इस लायक ही नहीं कि आप राजा बन सकें। लेकिन प्रिंस ये कुछ बोलने मतलब ये बोल रही है कर रही है, लेकिन ये इसका ध्यान उस पर है ही नहीं, बस उससे पूछ बस उसको देख रहा कह रहा है कि तुम। तो फिर ये कहती है, तुम क्या प्रिंस आप क्या सोच के ये सब कर रहे थे, हाँ आप आज जो मेरे रूम में इस तरह से घुस आए, आपको लगता है कि अगर एक राजा आपके पिता को ये पता चला कि उनका बेटा जो मतलब वो इतने ख़ास उनके जो जर्नल हैं उनकी वाइफ के साथ उसका चक्कर चल रहा है, तो क्या वो किसी कीमत पर आपको राजा बनाएंगे, हाँ क्या जिस गद्दी के लिए आपने मेरी शादी जनरल से कराई थी वो गद्दी आपको कभी मिल पाएगी। इन सब चीज़ों पे इसका प्रिंस का ध्यान ही नहीं होता, वो बस उसको देख रहा होता है और फिर उससे कहता है, तुम इतनी कैसे बदल गई, हाँ इतने तुम्हें बदलाव कैसे आ गया, क्या तुम अभी भी वही लड़की हो जिसको मैं जानता था, हाँ क्या तुम वही हो। जिस पर ये कुछ नहीं कहती है और फिर खड़ी होती है, उससे कहती है, प्लीज़ प्रिंस थोड़ा रुकिए, मैं ज़रा बाहर नौकरों को बाहर भेज के आती हूँ। और फिर उनको बुलाती है और कहती है कि मैं नौकरों को भेज दिया, आप आइए। फिर इसे अपने साथ बाहर लेके आती है और फिर एकदम कायदे से इसका हाथ पकड़ते एकदम घसीटते हुए उसे बाहर निकालती है प्रिंस के पास। बिल्कुल फालतू का टाइम नहीं, जाइए आप बहुत मेहनत करते हैं, जाइए जाइए अपना काम कीजिए, आपके पास बिल्कुल फालतू का टाइम नहीं है, यहाँ मत आइएगा। तो फिर ये कह रहा होता है, रुको तो सुनो, तो बात तो सुनो, पर ये एकदम दरवाज़ा बंद करने में लगी होती है, और बल्कि ये बंद भी कर देती है, लेकिन ये फिर ये नॉक करने लगता है कि प्लीज़ सुनो, तो एक हाथ से नॉक कर रहा होता है और दूसरे हाथ से पंखे से अपनी चोट से ला रहा होता है ये। तो फिर ये खोलती कहती है, क्या हुआ प्रिंस। तो वो उसे कहता है, तुम मुझे पहले हनी बुला दी थी, अब तुम मुझे प्रिंस बुला रही हो, क्या तुम मुझसे दूरी बना रही हो। तो दरवाज़ा पूरा खोलती है और फिर एकदम से कहती है, हाँ कर रही हूँ मैं ऐसा। तो वो कहता है कि मुझे आज बहुत पछता रहा हूँ मैं तुम्हारी शादी जनरल से करा के, पर कोई बात नहीं, क्योंकि शायद आज के बाद तुम विधवा बन जाओ, और एक बार तुम विधवा बन गई तब तो मैं तुम्हें कैसे भी करके पा ही लूँगा। और फिर दोबारा से अपने पंखा उठाता है, अपनी चोट पे सहलाता हुआ वहाँ से निकलने लगता है। और जब ये चला जा रहा होता है तो ये शेनकी सोच रही होती है, इस पागले का मतलब क्या था, मैं विधवा क्यों बनूंगी, ये पागल बोल के क्या जा रहा है। और ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है।